कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम पहुंचाएंगे हर घर बिजली, हम पहुंचाएंगे हर घर बिजली, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जी हाँ देवियों और सज्जनों, इसी नशे को जी रहे हैं हमारे ये जोश और जुनून से भरे हमारे युवा साथी, जिन्हें हम ग्रामीण विद्युत अभियंता कहते हैं, जीवीए कहते हैं, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं, जिससे भारतवर्ष का एक एक गांव बिजली की रोशनी से रोशन हो सके तथा हर गांव और राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर हो सके। तो एक बार फिर से मैं चाहता हूं एक बार इन जीवीएस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित ग्रामीण विद्युत अभियंताज इंटरैक्शन और गर्व टू मोबाइल ऐप के इस लोकार्पण समारोह में मैं अवनीश भारती आप सभी आमंत्रित गणमान्य अतिथियों जीवीएस का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपना मोबाइल फोन कार्यक्रम की समाप्ति तक साइलेंट मोड पे कर लें, धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आमंत्रित करता हूं एक ऐसे व्यक्तित्व को जो बहुत ही कर्मठ हैं, जुझारू हैं, हार्ड वर्किंग हैं, चीजों की तह में जाना उनकी आदत में शुमार है। जी हाँ, आइए जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पर एड्रेस करने के लिए आमंत्रित करता हूं जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर डॉक्टर ए के वर्मा जी को। भारतीय संस्कृति में कोई भी पूजा हो या समारोह हो, उसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की जाती है। इसी क्रम में अब हमारे सामने दीप प्रज्वलन करने के लिए उपस्थित हैं माननीय मंत्री जी, सेक्रेटरी पावर श्री पी के पुजारी जी, CMD REC और स्पेशल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर श्री बीपी पांडे जी, मैडम शालिनी प्रसाद एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर डॉक्टर ए के वर्मा जी और डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी ED REC। आइए एक बार फिर से मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ए के वर्मा जी को। आदरणीय मंत्री महोदय, मंचस्थ सचिव श्री, विशेष सचिव श्री, अतिरिक्त सचिव श्री, PFC के CMD साहब, और आज के दिन उपस्थित तमाम सम्माननीय अतिथिगण और हमारे साथ काम करने वाले स्टीम्ड कलीग्स, साथ साथ आज के दिन के जो मुख्य आकर्षण है जो जीवीए जो हमारे लिए काम करते हैं गाँव में, आप सभी जीवीए मीडिया के साथियों, आप सबों का यहाँ स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष होता है।
हर्ष, क्या मुझे गर्व हो रहा है, पूरे पावर सेक्टर को गर्व ने काफ़ी गर्व दिया है, और कल सर डिजिटल इंडिया अवार्ड भी गर्व ऐप को मिला है। सर गर्व एक जब आई थी उस समय हमें भी पता नहीं था कि ये क्या क्या लाएगी। हम लोगों ने एक प्रयास किया था, जीवीए जब गाँव में जा रहे थे और हमें जो जो लक्ष्यांक दिया गया था उस लक्ष्यांक को पूरा करने के लिए जिस तरीके से मिशन मोड में काम करना था, तो वह काम सुचारू रूप से और जल्दीबाजी में कैसे किया जाए, इसके लिए एक ऐप का निर्माण किया गया। और इस ऐप में कई त्रुटियां, कई क्षतियां उस समय थी, लोगों ने उन क्षतियों की तरफ ध्यान भी दिलाया हमारा, थोड़े बहुत छींटाकसी भी हुई, हमने भी उसे सहा है और उसको और अच्छे ढंग से करने में जो REC PDCL की टीम है डॉक्टर दिनेश अरोड़ा के नेतृत्व में, उनके GBA और सभी जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, सबों का सौहार्दपूर्ण सहयोग मिला है सर। और आज आज GARV-I के बदले GARV-II में हम लोग पहुंच रहे हैं। इस सरकार की जो मंशा है 24/7 पावर फॉर ऑल, उसकी उस मंशा को, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सर जो सबसे अधिक जरूरी है वह है घर घर तक बिजली पहुंचाना। तो जब तक हम घर को ना जाने किस घर में बिजली है, किस घर में न बिजली है, तब तक हम यह काम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए ही GARV-II में एक प्रयास किया गया है। यह इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है सर, यह क्राउड सोर्सिंग है, ये इंफॉर्मेशन का क्राउड सोर्सिंग किया गया है एक तरीके से, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था वो तो हमने रखा है इसमें। हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म भी बनाया है इसमें जिससे सिटीजन का इंगेजमेंट हो सकता है और हमारी इंफॉर्मेशन में जो वीकनेस है, जो शॉर्टकमिंग है, उसको हम आगे जाके भरपाई उसकी कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको मेकअप कर सकते हैं। सो इट्स इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप, और दैट टू सर विद द हेल्प ऑफ द पीपल, विद द हेल्प ऑफ द सिटीजन्स। सो जो इसका लाभ लेने वाले हैं उनसे ही हम इसमें सहयोग ले रहे हैं, और यह GARV-II जो है एक एक घर की बात बताएगा कि इस घर तक बिजली पहुंची है, इस घर तक बिजली नहीं पहुंची है। यह लक्ष्यांक जब निर्धारित हो जाता है तो हमें काम करने में थोड़ी सहलाई होगी, थोड़ी सुविधा होगी और सफलता भी जल्दी मिलेगी। इस विषय में जो हमारे बाद डॉक्टर अरोड़ा बताएंगे पूरी विगत, और उनका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी है सर। तो आज के दिन आप सब यहाँ आए हैं, आप सब के आने से जिस तरीके का प्रोत्साहन GARV-II को मिल रहा है, इससे मैं काफ़ी अभिभूत हूँ और आप सबका आभार करता हूँ। और इसके आगे की जो कार्रवाई है, जो कार्रवाई होगी उसमें GARV-II की जो विशेषताएं हैं वो आपके समक्ष रखी जाएगी। माननीय मंत्री महोदय, GVA और साथ साथ देश के कोने कोने में सारे जगहों पे, सारे राज्यों से जो सचिव श्री और उनकी टीम, विद्युत सचिव श्री और उनकी टीम बैठी हुई है, उनके साथ भी माननीय मंत्री महोदय का और माननीय सचिव श्री का इंटरेक्शन होगा, और इससे बातें और स्पष्ट हो जाएगी। आज के दिन भी हम में जो कमी रही होगी वो कुछ कमी आज के दिन भी हम भरपाई कर पाएंगे, ऐसी आशा के साथ मैं आप सबका फिर से यहाँ स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये भी बताने के लिए कि GARV ऐप को बेस्ट मोबाइल ऐप का डिजिटल इंडिया 2016 का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच। अब मैं आमंत्रित करता हूँ उस शख्स को जिनके सहयोग से, या कहें कि जिनकी लीडरशिप में आज का ये इवेंट और पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, डॉक्टर दिनेश अरोड़ा जी। Dignitaries on the dais, I also welcome all the state secretaries and MDs who are with us on video conferencing. So just taking a clue from where JSS said, not the strongest survive, not the most intelligent survive, those who change, they will survive. Whether it's GARV-I, when we innovated, whether it's GARV-II or it's cashless digital payments. Sir, this army yesterday was trained by Niti Aayog for 3 hours, including CEO Niti Aayog Amitabh Kant, sir,
for on digital payments, and they have taken a pledge yesterday to convert 18,000 villages right now into digital ones. Sir, this event is also covered live, as you can see, on Facebook. We have partnered with Facebook on the app. This app is available on Facebook 24/7 now, sir, and we have partnered with them. Ms. Paki is not here because she was traveling. She was supposed to come also for the event. So without taking much time, as I said, GARV-I became an icon. We had pitfalls, we had strengths. Just have a video to show you what GARV-I did for us and what we plan to do next. आजादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में 18,452 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। यहां शिक्षा के उजाले को अशिक्षा और बेरोजगारी ने कैद कर रखा है। यहां के बच्चे अभी भी दिए की रोशनी में पढ़ते हैं। अब उन गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये काम आसान नहीं था क्योंकि ये 18,452 गांव दूर दराज स्थित थे। गांव में काम करने में अनेक परेशानियां थीं, रास्ते खराब थे। 15 अगस्त 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लेते हुए कहा, 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है इन 18,500 गांवों में 1,000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाए। देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने के मोदी जी के सपने में रंग भरे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, मंत्रालय ने इस काम को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। बंद पड़े इन दरवाजों को खोलने की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन यानी REC को दी। इस काम को करने के लिए ग्राम विद्युत अभियंता नियुक्त किए गए। मकसद साफ था, गांव में जल्दी से जल्दी बिजली पहुंचाना। ग्राम विद्युत अभियंताओं ने पहाड़ों, जंगलों, नदियों, रेगिस्तानों में दूर दूर तक बसे गांवों में जाकर वहां कार्य की समीक्षा करके इन गांवों में रोशनी लाने के सरकार के प्रयासों को एक नया आकार दिया। पूरे कार्य की प्रक्रिया को 12 माइलस्टोन्स में विभाजित किया गया। एक मोबाइल एप्लीकेशन गर्व लॉन्च की गई। ग्राम विद्युत अभियंता गांव में जाकर काम की गति की समीक्षा करते और उसकी फोटो खींचकर उसे ऐप पर अपलोड करते और भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार एक समय सीमा तय की गई। कार्य की समीक्षा सभी स्तर के अधिकारियों के साथ की जाने लगी। इस काम में राज्य सरकारें, जिला अधिकारियों और राज्य के विद्युत विभाग के अधिकारियों ने अपना योगदान दिया। भारत सरकार के प्रयासों ने एक चुनौतीपूर्ण काम को सफल कर दिखाया। 70 वर्षों से बिजली का सपना देख रहे ग्रामीणों के जीवन को रोशन कर दिया। घर में उजाला हुआ तो शिक्षा, रोजगार और विकास के नए नए दिए भी जलने लगे। बिजली पाकर गांव वालों की खुशियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि हम लोग को गांव में बिजली आ गया है। 3 पीढ़ियां ने बिजली देखी नहीं सब हम। यहाँ बिजली, अब हमारी बिजली आने से हमारा बच्चा पढ़ सके, कोई भी अनुभव हो सकता है, कोई भी गैस सिलेंडर बिजली आने से अनुभव हो गया हमारा। पहले हमारे गांव में लाइट भी नहीं थी, पहले दिए थे पढ़ना पत्तो और अब रोशनी आई तो पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े अफसर बनेंगे। एक वर्ष बाद मुझे खुशी के साथ कहना है, 1,000 दिन में अभी तो आधे भी नहीं हुए हैं, आधे से भी काफी दूर है, उसके बाद भी
18,000 गांवों में से 10,000 गांवों में आज बिजली पहुंच गई है और मुझे बताया गया कि उनमें से कई गांव है जो आज पहली बार टीवी पर ये भारत के आजादी के जश्न को वहां बैठे बैठे देख रहे हैं। सपना नहीं सच्चाई है, बिजली हमारे घर आई है, अच्छे दिनों की शुरुआत है, अंधेरे में भी जगमग रात है, अंधेरे में भी जगमग रात है, अंधेरे में भी जगमग रात है। I think, sir, this embodied the spirit of Team Power India, led by Hon'able Prime Minister, Hon'able Minister, Hon'able Secretary, Ministry, REC, State Secretaries, State MDs, everyone, including the GVAs. Please give yourself a big hand on this occasion. Sir, moving to the next, was village electrification good enough? Many times the Hon'able Minister has also raised this question in the Parliament. So we went for a base data calculation on the leftover households. I must concede here that I was pushed into or nudged into by Joint Secretary Power only, because I was saying let's first consider it on 18452, and he was saying no, it has to go parallelly. And sir, based on this today, we have roughly about 5.15 crore households which are yet to be connected. In last 5 years from census, sir, you can see from 9.25 we have moved to 12.32. That means 3 crores have been added in last 6 years. In next 2.5 years, we need to add 5 crores to the internal target set by you for us, sir. The target set by PM is 2022, sir. But internal, as a hard taskmaster you are, this message GVS sab hum sab ke liye hai. Hamara internal target 2019 hai ye karne ka. And sir, this is the base data for the states being validated and validated by the states, sir. 4 states in the 100% back in the category: Andhra, Goa, Punjab, Gujarat, 80 to 99%, 9 states, 50 to 79%, and then less than 50%, 4 states, all eager to join the bandwagon of 100%, sir. We have all had discussions in the RPM meeting led by Secretary. You yourself had discussions with the Power Minister's Conference, sir. All geared up, sir. And the road leads like this, sir. From here, two villages. The moot point in GARV-II is, sir, we are coming down to habitations. Ek gaon mein 4 habitations hain. Aaj to humne keh diya gaon electrify ho gaya. Par kya wo habitations electrify hain? Aur kya aaj bhi wahan lene wale connection ko ye bola jata hai ki nahi, pehle 10,000, 20,000 jama karwaiye, aapke yahan tar khinchi jayegi? Nahi. Hum chahte hain on demand, sir. And that demand is pehle habitations and then households, sir. And this is what is GARV-I and GARV-II. From 18,027 lakh households to 5.97 lakh villages, 15 lakh habitations, and 17 crore households. Mind-boggling figure being captured on this app. Sir, the habitations have been broken down into 7 milestones. We had 12 milestones for villages. Now habitations are 7 only. Sir, a habitation work can be completed in less than 3 or 4 days only, because already the grid has reached there. You just have to put a distribution transformers there, take the wire, and then give the connections to home. And it is sanctioned, award, survey, material received at site, work started, work completed. Sir, we are partnering with the states and the PMA, which we had given to them from the government central fund. They will be filling the incremental progress of households on name of consumer, mobile number, Aadhaar card number, and consumer number. And it will be shown, as shown on the right side, how it is going to be shown in the app with a photograph. So for example, name of this village of Firozabad, Chakia village. Sir, it's Andhapura, 40 households, electrified 0, DT capacity is 50, work study completed. Now I'll show you, sir, here we get a SAMVAD saying that work is not completed because households not have been electrified. But we launched GARV-II right now after this, sir. Sir, as I said,
not the strongest survive, not the intelligent ones survive. Those who respond to change survive. Media has been a great partner with us in this. And this time we said take everyone along, including the people. This is a SAMVAD, sir, where the GARV app gives an opportunity to the citizen of this country to talk to them through a mobile. Now, mobile is not going to be only e-wallet now. It's also going to be your main source of grievance redressal in the country, sir. So this is how it happens. You just register your name through a mobile, log in. Now, when you log in, say you write UP, Firozabad, and you say Lakhua, the village sheet will open itself. And the village sheet data shows 198, 142, DT capacity is 20 completed. He can just go down and says, the work is shown completed, but BPL connections not released, please see. As soon as he clicks there, he gets a message. Dear Ganesh, thank you for your valuable interaction on SAMVAD. For details, please visit this. This message is received by the superintendent engineer. All numbers have been fed, sir, for the whole country. Dear SAMVAD initiated, please, for details, please see. He goes and opens the SAMVAD, sir. He will see all the SAMVADs initially for the whole district which is in charge. Firozabad, Alipur, again, lot of SAMVAD there. So he has received this. The work is shown completed, but BPL connections not released, but please see. He then writes it based on his report. The work for release of BPL connections is under progress. It will be done within 15 days. Thank you. Mr. Ganesh receives a SMS. Concerned authorities have responded to the SAMVAD initiated for details. Please visit. He either can close the complaint or he can further launch the complaint. Sir, before I play for a pre-launch video, I will request Honorable Secretary, sir, to say a few words before I invite you for launching. Honorable Minister, my colleagues, power secretaries from all over the state, all over the country, colleagues present here from various corporations and ministries, and GVAs. First of all, जो 18,000 के target Honorable Prime Minister ने हमें दे रखी थी, उसमें से जैसे बताया गया कि more than 11,000 villages we have covered in record time. So this is possible, this was possible because of the cooperation that has been extended by all the state governments, the power secretaries, the GBAs, and all my colleagues. So I congratulate everyone of the team and that we have achieved this. I also understand saying that the leftover villages, jo 8,000, 7,000 jo village abhi rahe gaye hain, ye sabse difficult village hain, दूर एरिया के हैं, वहाँ पर पहुँचने में भी डिफ़िकल्ट हो रही थी. और अभी जैसे हमने ईस्टर्न साइड में एक रिव्यू किए थे झारखंड में, वहाँ बताया गया, पावर सेक्रेटरी ने ये कहा कि सब वहाँ पर तो रास्ते नहीं है गांव में जाने के लिए, तो उसी डिफ़िकल्टी में भी पोल्स ले जाना, केबल ले जाना और इलेक्ट्रीफाई करना, आई नो, आई अंडरस्टैंड एंड वी अप्रिशिएट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, बट जैसे वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड सेइंग दैट वी विल अचीव द टारगेट इन द गिवन टाइम, सो वी विल put our best efforts to make sure that this target is achieved and we don't sleep. So, kuch village mein aise bhi to ho jayenge jahan par, jaise mujhe pata chala hai ki wahan rasta pahunchne se pehle bijli pahunch jayega. So, this is the credit that ministry will take. Abhi tak, jaise bataya gaya ki kareeb 18,000 village ke siwaye sab village mein bijli pahuncha tha, lekin purane jo village electrification hua hai, that was done in a way which was not debated in the public. Humne har saal target fix kiye aur announce kar diye ki humne ye achieve kiye. The process of selection, the work, the stages of work was never disclosed in the public, were never displayed in the public for people to scrutinize it. The difference between the village electrified earlier and the village that has been electrified subsequently to the Honorable Prime Minister's announcement of 18,000 villages is that for every step, chote hai, bade ho, humne usko public domain mein rakha hai, we have asked people to validate, confirm, raise issues and doubts so that we improve our performance and actual work, there's just pressure on the system to deliver the work in a quality and timely manner.
तो जो लर्निंग GARV-I से हुआ था वो लर्निंग को हम GARV-II में बढ़ा रहे हैं। जैसे बात की गई कि 18,000 विलेज जो है वो तो हम टाइम पे पूरा कर लेंगे, लेकिन देर आर अबाउट 5.5 crore हाउस होल्ड्स जहाँ पर हमें कनेक्शन देना बाकी है। जैसे बताया गया कि देर इज़ नो सर्वे, देर नो ऑफिशियल सर्वे डन एनी वेयर टू फाइंड आउट एक्चुअली हाउ मेनी विलेजेस, हाउ मेनी हाउस होल्ड्स आर नॉट इलेक्ट्रीफाइड। सेंसस फिगर दैट कम्स आउट इन 2011 कम्स क्लोजेस्ट टू दैट। द सेंसस आस्क्ड द रेस्पोंडेंट ए क्वेश्चन, व्हाट इज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, बट दैट डिडंट आस्क द क्वेश्चन कि आपके घर में बिजली है कि नहीं है। सो व्हाट वी डिड बेसिकली व्हाट हैज बीन डन इज दैट द सेंसस फिगर द वेरियस DPR दैट हैज बीन सबमिटेड बाय द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, उस बेसिस पे ये डाटा कोलेक्ट किया गया है और इस डाटा को स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया गया कि आप वैलिडेट करें। सो दिस डाटा हैज बीन वैलिडेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डिस्कम एंड दिस इज कम ऑन द सिस्टम। व्हाट GARV-II विल डू इज, जैसे बताया गया कि हेमलेट जो है वहाँ पर हम कहेंगे कि कैपेसिटी कनेक्शन का हाउस होल्ड कनेक्शन करने के लिए कैपेसिटी है कि नहीं है। वंस दैट कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड वी विल बिल्ड द कैपेसिटी फॉर गिविंग कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड ऑन डिमांड। तो ये जो डाटा है दिस विल बी ऑन द रियल टाइम बेसिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन GARV-II एंड इफ एनी वन स्टेक होल्डर पब्लिक एनीबडी ही वॉन्ट्स टू सजेस्ट ही वॉन्ट्स टू ask questions, he is free to do that. So the method of doing it will be transparent, it will be a consultative process, and that I am sure will improve the quality of the work, that will improve they'll give a pressure on the system to deliver on time. So that is the strength of these apps. When we disclose each action of ours in a public domain and ask public and stakeholders to scrutinize the action taken. The interesting feature of the GARV-II is that as and when the household connection is given, there is a feature in the app which says that you upload the consumer number and the mobile of that new household. If 5.5 crore household data gets uploaded in the system will have the details of 25, if you take on an average, if one household has 5 persons, 25 crores populations information will be available on this app automatically with consumer number and mobile. So strength of this app is not only for monitoring the village household electrification, but this app can be used subsequently not only by the Ministry of Power but by all the government departments for extending various other services, deliveries, and for improving the quality of the services that we provide. So it is a very, very strong app. It has been designed in such a manner, it is dynamic, it will incorporate new ideas and store so many data which you can process subsequently. Because once you finish the village electrification, once you start giving connection to the household, the question is going to come, what is the quality of the power that we supply? So those subsequent questions we anticipate will also come. So we will have to prepare ourselves to address those issues. For that, again, information is required. Again, monitoring is required. So this is a very, very strong app. And I congratulate REC and all the team members and various stakeholders for suggesting the way the app should have been developed. And we have developed the app based on our various suggestions. So at this stage, I leave it here. And again, once again, I thank all my team members all over the state, all over the country, all the state power secretaries, MDs of the DISCOMs, and all my colleagues here in Delhi and the GVS for having done all the work. And I'm sure in future, the work we did with the GIL, that the work we did will continue to do the same. And this is as last time it was pointed out, it's not only that it is, we are achieving a target, it is something beyond that. We are touching the lives of millions of people, and probably short of when all the villages are electrified, 18,000, which will be definitely will be done in the time frame that has been given to us. And when you start getting or giving the household connections, which will take some time, 2 years is the target that we have done internally. When you achieve that, the satisfaction that you will have, saying that you have provided
a element which transforms the life of every individual in a remote area, the satisfaction that you will get and the contribution that you have made to the development of this, our country in future will be immense. And we, it'll be very, very matter of pride that we'll be a part of that action, part of that action which completed the village electrification and also, you know, going to complete the household electrification. So once again, my congratulations, and I look forward to the same degree of cooperation, dedication from all of you, and definitely with cooperation as a team that we have worked so far with the same zeal we work, and we, I'm sure we'll work, we'll achieve this task, which is a challenging one, but no challenge, you know, is unsurmountable, and I'm sure saying that with proper planning, cooperation, we will be able to achieve this. So thank you so much. My congratulations to you and best wishes. Thank you so much, sir. And sir, Mr. Sir, I must concede that how much I have bothered Secretary for this app, for his suggestions, and we kept on revising it till he was satisfied with this, sir. Thank you so much, sir. And sir, before I invite you for the launch of this app along with Secretary Power and dignitaries, other dignitaries, I will, we have a pre-launch video, and I have one request, sir. If, on behalf of GVS, if you could also adore the same uniform which we have given to GVS today, because last time we had missed you giving the uniform. May I request you for that, sir? आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन मैं अपना जन्मदिन दिन में ही मनाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में बिजली नहीं है ना। मैं रोहन, मैं बैसाखी के सहारे चलता हूँ। 4 साल पहले मुझे एक सांप ने काट लिया था, क्योंकि मेरे घर में बिजली नहीं है ना। मैं गीता, मेरे भैया को शादी के लिए कोई भी लड़की देने को तैयार नहीं, क्योंकि मेरे घर में बिजली नहीं है ना। ये इसलिए क्योंकि विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार किसी भी गांव के 10% घरों में बिजली पहुंच जाने से वो गांव विद्युतकृत माना जाता है। आज भी भारत में तकरीबन 5 करोड़ घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है। क्या यही है बढ़ते भारत की तस्वीर? क्या इन्हीं छोटे छोटे सपनों में सिमट कर रह जाएगा भारत का भविष्य? इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने भी लोकसभा में चिंता व्यक्त करते हुए कहा, पहले जो विद्युतीकरण का कार्यक्रम देश भर में चलता था, उसमें एक बार बिजली गांव तक पहुंच गई और उसके बाद पंचायत ऑफिस में पहुंच गई, 10% घरों में पहुंच गई, तो टिक लगा दिया जाता था कि ये गांव का विद्युतीकरण हो गया, और अभी तक ये सिलसिला चलते जा रहे हैं। हमने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में कल्पना की है कि आगे आने वाले 3.5 साल में 2019 तक सभी घरों तक बिजली पहुंचे। आइए 100% हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन यानी घर घर बिजली पहुंचाने के मिशन में हम कुछ रंग भरते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, एक बेहतर भारत की, एक उज्जवल भारत की, एक गर्वित भारत की। गर्व फॉर 100% हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि 100% हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन के मिशन में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जवाबदेही लाने की ओर एक अनूठा कदम है। इस ऐप के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि किस राज्य के, किस जिले के, किस गांव के, किस मजरे टोले में कितने विद्युतीकृत घर हैं और कितने अभी विद्युतीकृत होने बाकी हैं। इस मिशन में जन भागीदारी के महत्व को ध्यान में रखते हुए संवाद को सम्मिलित किया गया है। संवाद फीचर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर समाधान प्राप्त कर सकता है। गर्व 100% हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन मिशन की कमान का वो तीर है जो सीधा ग्रामीण भारत की वृद्धि और समृद्धि की ओर पूर्ण तैयारी से लक्षित है।
और इस मिशन को सफल बनाने में राज्य सरकारों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए प्रण लें कि हम अपने प्रयासों को तब तक नहीं रुकने देंगे जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न कर लें। मैं आपके व्यक्तित्व को ये चार पंक्तियां समर्पित करता हूं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, हम परों से नहीं हौसले से उड़ते हैं। देवियों और सजनों, ये चार पंक्तियां समर्पित थीं हमारे माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के लिए। आइए अब मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आज के दिन हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय मंत्री जी, हैबिटेशंस हैं 15 लाख हैबिटेशंस हैं, इसमें से 100% 4 लाख के कच्चे हैं। डीटी कैपेसिटी 5 लाख से इसमें है, वर्क अंडर प्रोग्रेस है, इसको क्लिक करने से हैबिटेशन इसमें कर इलेक्ट्रीफाइड 70.51, 6,25,000 जो अनहैबिटेड मिलाकर है, उसमें से 100% 1.5 लाख गाँव में है और डीटी कैपेसिटी तकरीबन 2.5 लाख 2.25 गाँव में है। हैबिटेशन 15 लाख में से 4,31,000 100% है, 5,26,000 100% डीटी कैपेसिटी है। सर, ये माइलस्टोन्स हैं हैबिटेशन के, सैंक्शन अवार्ड सर्वे सिर्फ एक ही डाला है क्योंकि जनवरी से इसकी अपडेशन शुरू होगी। अभी सिर्फ फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का डाला है हमने। सर, ये पूरे कंट्री में आप कहीं भी जा सकते हैं, सर ये हैबिटेशन की प्रोग्रेस कैसे होगी, जो 7 माइल्स सैंक्शन हैबिटेशन में चले गए सर, बिल्कुल कितने अवार्डेड हैं उसके हैबिटेशन, कितनों में सर्वे हो गया, कितनों में मटेरियल रिसीव हो गया, कितनों में स्टार्ट हो गया, कितनों में कम्प्लीट। हमारी आई जो है सर इंटेंसिव इलेक्ट्रिफिकेशन और सिस्टम स्ट्रेंथ, उससे पूरे देश का डेटा है, सर ये जैसे फिरोजाबाद एक डिस्ट्रिक्ट डाला अभी हमने जो पायलट देखा, इसमें आप उन्होंने कहा कि ये चार हैबिटेशन्स
कितनी इलेक्ट्रीफाइड है, जीटी कैपेसिटी की यहाँ कंप्लीट दिखाया है और ये वर्क फोर्स है पीछे पड़ गया संवाद में जाइए पीछे संवाद संवाद से कंप्लेंट डालिए कि आपने यहाँ जीटी कैपेसिटी है या कंप्लीट दिखाया है प्लीज डाटा नॉट करें प्लीज सी नो ड्यूटी है ये ले जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, हार्टियस्ट कंग्रेचुलेशंस। पावर सेक्रेटरी श्री पी के पुजारी जी, स्पेशल सेक्रेटरी श्री पांडे जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती शालिनी प्रसाद जी, जॉइंट सेक्रेटरी ए के वर्मा जी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सीएमडी श्री राजीव शर्मा जी, दिनेश अरोरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरईसी और जो इस पूरे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम को देख रहे हैं, यहाँ उपस्थित मंत्रालय के अधिकारीगण, वरिष्ठ नागरिक, मीडिया के हमारे बंधु और गर्व से जुड़े स्टेट से हमारे पावर सेक्रेटरीज, और मैं देख रहा था लगभग पूरे देश के सभी पावर सेक्रेटरीज आज जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने इतने उत्साह के साथ इस ग्रामीण विद्युतीकरण के काम में जो आप सभी जुड़े हैं, आपकी टीम्स राइट डाउन टू द लोएस्ट लेवल इंजीनियर्स एंड वायरमैन, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और विशेषकर यहां पे आए सभी जो ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता इस कार्यक्रम के साथ लगभग अब एक वर्ष से अधिक हो गया जुड़े हैं, एक वर्ष दो महीने 14 महीने से जो जुड़े हैं, आप सबको विशेषकर स्वागत भी करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने जो एक इस यज्ञ में अपना योगदान दिया है, इस यज्ञ में जो सभी लोग, प्रदेशों के लोग, मंत्रालय के लोग, आप सभी जीवीएस, आप सभी ने जो इस यज्ञ में जो मैं समझता हूं भारत के भविष्य को और भारत की आगे की प्रगति को डिफाइन करेगा, इस यज्ञ में जुड़ने के लिए, इस राष्ट्र सेवा में जुड़ने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे लगता है कि आज पूरे देश में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, पूरा विश्व देख रहा है किस प्रकार से भारत जुड़ा है टेक्नोलॉजी के साथ, और शायद भारत का जुड़ाव बाकी विकसित देशों से भी ज्यादा अधिक है। ऐसी परिस्थिति में विद्युत मंत्रालय ने जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने ग्रामीण विद्युतीकरण के काम को, शहरी इलाकों में जो सुधार हो रहा है उस काम को, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो अभी अभी दिनेश ने कहा, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व, इन तीनों का एक बहुत अच्छा जुड़ाव टेक्नोलॉजी के साथ लगा के इस कार्य हमारे सभी विद्युत मंत्रालय के कार्यक्रमों को बहुत तेज गति मिली, बहुत तेज विकास हुआ इन कार्यक्रमों में। और आज पूरे देश में जो उत्साह है इस बात को लेके कि पहली बार आजादी के 70 वर्ष बाद 11,000 से अधिक गांव में पहली बार बिजली पहुंची, करोड़ों घरों में बिजली पहुंच रही है, और ये जो आज यज्ञ टू, गर्व टू के साथ साथ आज हमारा यज्ञ टू भी शुरू हो रहा है, जिसमें ये 5 करोड़ परिवार जो अभी तक वंचित रहे हैं बिजली से,
इन सब परिवार, और शायद 5 करोड़ परिवार हैं, तो कम से कम 8-10 करोड़ बच्चे भी उसमें रहते होंगे, उन बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती होगी बिजली ना होने के कारण। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ इन 8-10 करोड़ बच्चों की जिम्मेदारी, इन 8-10 करोड़ बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी जो आज ये टीम ले रही है, खासतौर पे ये 400 युवा युवती नौजवान ले रहे हैं, मैं इसके लिए विशेषकर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और इस काम को जिस उत्साह से आपने पिछले 14 महीने में पूरा किया है, उस उत्साह को भी अभी आपको उत्साह 2 करना पड़ेगा और डबल करना पड़ेगा उत्साह को, क्योंकि हर एक वो घर जिसमें आप बिजली पहुंचाएंगे, हर एक वो विद्यार्थी जिसको बिजली का लाभ मिलेगा, जो अपनी पढ़ाई लिखाई कर पाएगा, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, ये हम सबका ऋण है इस देश के प्रति, इस देश की जनता के प्रति, जो ऋण चुकाने की जिम्मेदारी हम सब ने ली है। आखिर 70 वर्ष तक जिन बच्चों को बिजली नहीं मिली, जिन परिवारों को बिजली नहीं मिली, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक उनको एक सामान्य बिजली जैसी सुविधा देश नहीं पहुंचा पाए। और ऐसी परिस्थिति में हमारी और ज़्यादा जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, हमारा दायित्व भी बढ़ जाता है कि हम इस काम को ईमानदारी से करें, इस काम को तेजी से करें, इस काम का लाभ हर घर तक पहुंचे, इसको सुचारू रूप से काम हो, काम की जो रिपोर्टिंग हो, काम का जो प्रगति हो, वो सही माने में मोबाइल ऐप के द्वारा जनता को ठीक ठाक से पता चले। एक आध जगह गलती हो सकती है, समझ सकता हूँ, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं होनी चाहिए और गैर जिम्मेदारी काम नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने GARV-I के माध्यम से देखा, पारदर्शिता का बहुत स्वाद है, बहुत आनंद है, क्योंकि इससे एक प्रकार से नियंत्रण भी रखा रह जा सकता है कि वास्तव में काम कैसा हो रहा है, काम की प्रगति कैसी है, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। हाँ, इसके बावजूद हमें कभी कभी तकलीफ उठानी पड़ेगी, जैसा कि 15 अगस्त 2016 को आपने प्रधानमंत्री के भाषण का आधा हिस्सा दिखा दिया, शायद दूसरा आधा आपने काट दिया दिखाने से, पर वो मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य था और हम सबका सौभाग्य था कि 11,000 में से प्रधानमंत्री ने वही एक गांव चुना जिसमें बिजली पहुंचाने के बावजूद जनता को बिजली का आनंद या स्वाद नहीं मिल पा रहा था। और एक प्रकार से ये देश के समक्ष ये सच्चाई भी सामने आई कि जब पारदर्शिता रखी जाती है और पारदर्शिता से जनता तक बात पहुंचाई जाती है, तो उसमें हम सबको चौकन्ने हो जाना चाहिए। और पूरे देश को मैं ये अपील करूंगा, जो लाभ लेना चाहते हैं उपभोक्ता हैं, वो भी देखते रहे कि हमारे को जो मिल रहा है वो यहाँ पे ऐप के अंदर जो दिखाया जा रहा है वो हमें मिल रहा है कि नहीं। और सब जो डेटा देते हैं, जो सब इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसके बेसिस पे ये ऐप भरा जाता है, आखिर यहाँ बैठे हुए ये अधिकारी तो उस डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकते, अधिकारी डेटा क्रिएट नहीं कर सकते, डेटा तो जो सबसे अंतिम छोर पे जो लाइन्समैन या इंजीनियर काम कर रहे हैं उन्हीं को डेटा तैयार करना पड़ेगा, डेटा ऐप पे अपलोड करना पड़ेगा। हमने इसमें ये भी नहीं रखा है कि कोई डेटा आप दिल्ली भेजो और दिल्ली में अपलोड होगा, डेटा भी सीधा ऑन द जॉब एट साइट लोड होता है। जब आप लोग भी जाते हैं विलेज का निरीक्षण करने, मैं समझता हूँ ये भी डेटा सीधा ऐप में डालते हैं। तो इससे ज्यादा पारदर्शिता, इससे ज्यादा सरल लोगों तक जानकारियां पहुंचाने का मैं समझता हूं आज तक कोई और प्रयोग नहीं हुआ है। और इस प्रयोग का ये लाभ हुआ कि अगर 15 अगस्त 2016 को
एक गांव में विद्युतीकरण होने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही थी, और प्रधानमंत्री ने, देखिए ये भी एक बड़ा संजोग होता है कि 11,000 में कोई एक नाम ले सकते थे, मुझे तो पता भी नहीं था कौन सी है। मैं तो, दिनेश ने मुझे कुछ फोटोज भेजी, मैं तो सोचा कि नागला पटला की भेजी होगी, मैंने तो उसको ऐप पे भी डाल दिया। लेकिन इस पारदर्शिता का ये लाभ हुआ कि उनको कम से कम दोपहर को 4 बजे बिजली पहुंच गई, और आगे चल के मैं समझता हूं बाकी सबको चेतावनी मिल गई कि अब आप जब कोई चीज ऐप पे डालते हैं, जब कोई जानकारी केंद्र सरकार को देते हैं, तो वो सच होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए, जो काम किया गया है उसी की जानकारी रहनी चाहिए, और जब बिजली पहुंच जाए तो हर एक को बिजली का लाभ मिलना चाहिए, हर एक विद्यार्थी को, हर एक माता पिता को, हर एक वृद्ध व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए, हर गरीब को, हर किसान को, हर महिला को इस सुविधा से हमने एक अच्छा भविष्य देने की जो कल्पना की है, उस कल्पना में किसी प्रकार की चूक ना हो, ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, और जो सब अधिकारी जुड़े हुए हैं आज, इन सबकी भी बनती है कि वो अपने डिपार्टमेंट को, अपने पूरी टीम को सेंसिटाइज करें, इन सबको जोड़े इस यज्ञ में, कि इस यज्ञ का जो कल्पना की गई है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ये एक साधारण लक्ष्य नहीं है, ये एक साधारण कार्यक्रम नहीं है, इसका गेम चेंजिंग पोटेंशियल है, भारत के भविष्य को ये बदल सकता है। आखिर कई जगह टीवी पे, मीडिया में, कई गांव में भी ये चर्चा होती है, भाई बिजली नहीं है तो हम डिजिटल इंडिया से कैसे जुड़े। बात सही है, इसीलिए हमने कोई ये कल्पना नहीं कही है कि नहीं करी है कि देश में पैसा ही नहीं रहेगा, पैसा तो रहेगा, लेकिन जहां जहां सुविधाएं बढ़ती हैं वहां वहां जब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम तेजी से प्रगति करेंगे, तब जाके देश में व्यापार भी ईमानदार होगा, तब जाके देश में लोगों को पैसा जेब में रखने के बदले सिर्फ अपना आगे चल के आधार नंबर याद रखना पड़ेगा, और वो सभी व्यापार कर सकेंगे। और मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि आज पूरा विश्व जिस तेजी से प्रगति कर रहा है, भारत उसमें पीछे ना रह जाए, और अगर भारत की प्रगति करनी है तो भारत की प्रगति तभी हो सकती है जब भारत के गांव की प्रगति हो, भारत में हर वो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाला, रहने वाला किसान, हर गांव में रहने वाला विद्यार्थी, हर गांव में रहने वाली महिला, हर एक के जीवन में भी बिजली की सुविधा उपलब्ध हो। अभी अभी प्रेजेंटेशन में आपने कहा इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, मैं देख रहा था आपने महात्मा गांधी जी को कोट किया था, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं हम सब भी कभी ना कभी मूलतः गांव से आए होंगे। मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे 2 ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता ऐसे भी हैं जिनके गांव में, जिनके घर में बिजली नहीं थी। मैं उनका जो उत्साह है आज दूसरे बच्चों के घरों में बिजली पहुंचाने का, ये मैं भली बातें समझ सकता हूं। और मैं दाद देता हूं आप सबके, जिस जिम्मेदारी से आपने इस कार्यक्रम को पिछले साल सवा साल चलाया है, उसके कारण ही इतनी तेज प्रगति हो पाई है। और आज हम यहां से जाने के पहले ये प्रण लेके जाएं कि 2019 तक, और पता नहीं 2019 भी लगना चाहिए कि और जल्दी भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। अभी अभी दिनेश कह रहा था भाई हर हैबिटेशन में पहुंचाने के लिए मात्र 4-5 दिन का काम रह जाता है, हो सकता है थोड़ा समय पहले टेंडरिंग और अवार्ड, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में लग सकता है।
अगर ये 4-5 लाख जो हैबिटेशन रह गई हैं, इसमें पहुंचाना कोई मुझे नहीं लगता इतना बड़ा तकलीफ का काम है। और फिर उसके बाद जो 5 करोड़ घर तक पहुंचाना है, वो भी इसलिए तकलीफ का काम नहीं है क्योंकि उसमें से आधे तो ऐसे हैं जहां पे बिजली पहुंच चुकी है, वहां तो सिर्फ घरों के अंदर देनी है बिजली। और ये कोई काम सिक्वेंशियल नहीं है, ये पैरेलल काम है। आखिर हर गांव का काम एक अलग काम है, या हर डिस्ट्रिक्ट का काम एक अलग काम है, हर प्रदेश का काम एक अलग काम है। ऐसा नहीं है कि पहले एक प्रदेश होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। ऐसा भी नहीं है कि पहले एक डिस्ट्रिक्ट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये पैरेलल में काम करने वाला प्रोग्राम है। तो मैं समझता हूँ कि हमने तो कोई बहुत ज़्यादा, वी शुड नॉट रेस्ट ऑन आवर लॉरेल्स एंड थिंक के हमारे पास 2 साल हैं या 2.5 साल हैं अभी भी। मैं तो समझता हूँ हमने तो सोचना चाहिए, हमें एक एक दिन जो बिजली उन घरों में नहीं पहुँच रही है, उतना हमारा ऋण उनके प्रति बढ़ता जा रहा है। वी आर इंडेटेड टू दोज 5 करोड़ फैमिलीज जिनके घर में बिजली नहीं है, और वो डेट बढ़ता जा रहा है एक एक दिन जो हम डिले कर रहे हैं। एवरी डे मैटर्स, क्योंकि जितनी जल्दी बिजली वहां पहुंचेगी उतनी जल्दी उस विद्यार्थी को पढ़ाई करने की सुविधा मिलेगी, उस किसान के जीवन में, उस महिला के जीवन में सुधार आएगा। शायद टेलीविजन लग जाए तो वो पूरी देश दुनिया में क्या हो रहा है वो देख पाएंगे, अपना मोबाइल चार्ज कर पाएंगे, जो आज मैंने, मुझे जानकारी मिली है कई जगह जहां पे बिजली नहीं होती है तो मोबाइल चार्ज करने उन्हें 6-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। हाँ, काम कठिन है, कठिनाई से मैं कोई डरता भी नहीं हूं, और मैं समझता हूं हमारी टीम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कठिनाई झेलने के लिए तैयार नहीं है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। आखिर ये जो 6,000 गांव रह गए हैं, अभी सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, इनमें रोड भी नहीं है, कई जगह उनको लोगों को अपने कंधे पे सामान उठा के लेके जाना पड़ता है। एक अरुणाचल में 1200 गांव तो ऐसे हैं जो इतने दूर दराके के हैं, लगभग बॉर्डर में है, सीमाओं पे स्थित है, जहां ग्रिड पहुंचाने में भी बहुत समय लगेगा। अरुणाचल के भी 20 GVA यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ये 1200 गांव को पहुंचाने का काम काफी दिन पहले हो सकता था। कुछ कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई किसी कंपनी ने जरूर तंग किया, लेकिन मैं भारत के अदालतों का भी धन्यवाद करूंगा और उनको बधाई दूंगा कि वो भी जब ऐसी परिस्थिति होती है तो तुरंत निर्णय प्रक्रिया भी जल्दी करते हैं। और कोर्ट में, हमें लोकल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ना पड़ा कि उन 1200 घर में हम बिजली दे पाए, जल्द से जल्द दे पाए। और हमने वो, और बहुत बड़े दिग्गज वकील खड़े हुए थे, मुझे रिपोर्ट आई उस दिन सुबह, सुप्रीम कोर्ट में केस था, बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हुए हैं, साहब कोई हमें कुछ करने की जरूरत है? मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, हमारा केस स्ट्रांग है, हमने ईमानदारी से जनता की सेवा करने का काम किया है, आपको कोई चिंता नहीं करनी है, जो वकील हमारा जाएगा तत्व पेश करे। और सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट नहीं लगाया निर्णय सुनाने में, और खारिज किया और काम अब शुरू हो सकता। और मुझे लगता है इन 1200 गांव के एक एक विलेजर को, एक एक गांव वासी को ये जिम्मेदारी अब हमारी बनती है कि हम कैसे उसको जल्द से जल्द वहां पे पहुंचाएं। आज मैंने सुना आपकी मॉनिटरिंग कमेटी में जो भी अप्रूवल्स है उसके अब हो सकेंगे कोर्ट का निर्णय आने के कारण, और तुरंत ये 1200 गांव में पूरा यूनिट जाएगा। ये ऑफ ग्रिड यूनिट है, इसमें 300 वॉट का सोलर पैनल होगा, लिथियम आयरन की बैटरी होगी, 5 LED के बल्ब होंगे, एक एनर्जी एफिशिएंट फैन होगा, मोबाइल चार्जिंग का सॉकेट होगा, और शायद आपने तो निर्णय लिया था एक टेलीविजन भी देंगे। ये देखो, देखो
जब ऋण चुका रहे और ये लोग को तो ग्रिड कनेक्टेड पावर भी नहीं मिल रही है। पीएफसी देगा इनको सबको, टेलीविजन देगा, चलो। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ज्यादा करके शहरी क्षेत्र में काम करता है, लेकिन गांव के प्रति भी उनकी संवेदना होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? तो ये जितने घर इन 1200 गांव में हैं जिनको ऑफग्रिड जा रहे हैं, और वास्तव में तो जितने भी गांवों को ऑफग्रिड आपको बिजली देनी पड़ रही है जिनमें ये यूनिट लगेगा, इसमें एक छोटा टेलीविजन भी दीजिए। आखिर इनके इनके प्रति तो एक तरफ तरीके से ग्रिड पहुंच नहीं रही है, इनको एक लिमिटेशन रहेगी। तो आई थिंक इन सबको हमने जिम्मेदारी से जोड़ना चाहिए पूरे देश के साथ, चाहे ग्रिड से ना जोड़ पाए पर कम से कम टीवी से तो उनको जोड़े पूरे देश और दुनिया के साथ। वो रहेगी पीएफसी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। देखिए इस प्रकार का काम कठिन भी होता है जब आप इतनी पारदर्शिता दो। प्रेसिडेंट ओबामा जो अभी यूएस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक वाक्य कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। द ओनली पीपल हु डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज द ट्रुथ आर द वंस विथ समथिंग टू हाइड। और हमने इस पारदर्शिता को इसलिए इतना बढ़ावा दिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पूरे काम में ऐसी कोई चीज ना हो जिसको हमें छुपाना पड़े, जिसपे हमें कोई चिंता हो। मैं तो मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करूंगा, जैसे अनइनहैबिटेड विलेजेस, ये कॉन्सेप्ट मुझे भी नहीं मालूम था, हमें हमारे किसी के ध्यान में नहीं आया था। एक अंग्रेजी अखबार ने अनइनहैबिटेड विलेजेस राजस्थान में 3 का जिक्र करते हुए कहा कि मंत्रालय कह रहा है कि ऐप गर्व कह रहा है कि इसके विद्युतीकरण हो गया है, पर या तो एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। सुबह सुबह जब पढ़ा तो मैंने फोन खटखटाने शुरू किए, फिर राजस्थान के अधिकारी होंगे शायद सिस्टम में भी, संजय मल्होत्रा हैं, संजय मल्होत्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी है, उनको याद होगा। तुरंत अधिकारी भेजे गए और पता चला कि अनइनहैबिटेड विलेजेस हैं। फिर जब पूरी जानकारी देश भर की निकाली, 698 विलेजेस ऐसे निकले जो सेंसस में है लेकिन अनइनहैबिटेड है। तो आपने उसको अलग किया कि उसके पैसे ना कोई क्लेम कर ले, आखिर पारदर्शिता का लाभ यही होता है ना, नहीं तो ये 698 विलेजेस का भी काम का सर्टिफिकेट कभी ना कभी आ जाता और इसके भी पैसे दे दिए जाते। और ये एक अलग बड़ा विचित्र चीज है, अभी मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो मीडिया के बंधु बाकी सब छोड़ के उसी के ऊपर फोकस करेंगे। आज मंत्रालय में किसी ने पत्र लिखा है, कुछ विषयों के बारे में जानकारी मांगी है, वो तो जानकारी पहुंच जाएगी, लेकिन उनको चिंता ये है कि कोई एक कंपनी के कार्यक्रम शायद कोई होटल में किए गए होंगे, कुछ उनकी रिव्यू मीटिंग होगी या कुछ ऐसा कार्यक्रम होगा या कुछ लॉन्च हुआ होगा, तो उसके ऊपर ये जानकारी वो जानकारी फलाना ढिमका। अब एक व्यक्ति जो चार्जशीटेड है, जिसके काम के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है कि डेढ़ वर्ष में 310 दिन जो व्यक्ति काम पे ही नहीं था और ऐसे शहरों में था जहाँ पे उस कंपनी का कुछ काम नहीं है, उसने तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ लिखना है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों को बहुत छोटी सोच रहती है, वो उसी पे अटके रहते हैं, वो ये नहीं देख पाते हैं कि कैसे देश में इतने बड़े बड़े व्यापक काम हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। आखिर मीडिया के बंधुओं ने जब मुझे अनइनहैबिटेड विलेजेस बताया तो मैंने धन्यवाद किया उस जर्नलिस्ट का। जब मीडिया के बंधुओं ने बताया कि भाई बिजली का आप कह रहे हो काम यहां हो गया है लेकिन बिजली पहुंची नहीं है, मैंने धन्यवाद किया उन बंधुओं का कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आपसे जब जानकारी मिलती है तो हम काम को सुधार सकते हैं। और आज ये GARV-II का ऐप एक प्रकार से जब मैं भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं, साथ ही साथ मीडिया के बंधुओं को भी समर्पित कर रहा हूं कि अब आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब आप जाइए, पता लगाइए, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट से पता लगाइए अलग अलग इलाकों में
और हमारी जानकारियों को ठीक करिए। संवाद में आप भी लिख के भेजिए आपको क्या क्या गलत दिखता है या गलत मालूम पड़ता है, जिससे इस काम को हम और सुधार सके। आखिर इतना परफेक्शन होती पूरी व्यवस्था में तो शायद इनको बिजली 70 वर्ष पहले ही मिल गई होती। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, अगर कोई बता दे कि जो 2.5 साल में जो पारदर्शिता, जो पीपल्स इन्वॉल्वमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने की है, ऐसा कोई कार्यक्रम में पिछले 68 वर्षों में हुआ हो। वास्तव में ये एक जनता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है और अब और ज्यादा बन गया है, क्योंकि इन 5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का काम राज्य सरकारें और उनके अधिकारी तो करेंगे, आप लोग उसका निरीक्षण, उसमें फोटो वगैरह लेके अपलोड करते रहेंगे, लेकिन जनता को जुड़ना पड़ेगा इसके साथ। और इसलिए एक प्रकार से हम भी अपना बूंद जैसे जैसे डालेंगे इस समुन्द्र में, मैं सभी जनता से भी अपील करूंगा कि वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े, वो भी इसमें हमें जानकारियां देते रहे। राज्य सरकारों को अपील करूंगा कि आप भी जो फीडबैक आते हैं उसको राइट स्पिरिट में लीजिए, कोई ये एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का विषय नहीं है, हर एक जानकारी को अच्छे स्पिरिट में, जानकारी से क्या लाभ निकाल सकते हैं उस लाभ का दृष्टिकोण रखते हुए अगर हम हर एक कार्यक्रम को लेंगे तो मैं समझता हूं कि ये देशहित का काम होगा। जो जो जानकारियां आप लोग सब जीवीएस देते हैं उसमें ध्यान रखिए कि एकदम करेक्टनेस हो, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। डिस्कॉम के ऑफिशियल्स को भी डैशबोर्ड एक्सेस रहेगा ना, हाँ, तो सब डिस्कॉम के ऑफिशियल से भी मेरी अपील है कि जो जो जानकारियां मिलती हैं उस पर तुरंत एक्शन हो, सुधार की दृष्टि में एक्शन हो, और जिम्मेदारी जो जो लोग लेते हैं उस जिम्मेदारी का निरीक्षण मॉनिटरिंग होना चाहिए और उस मॉनिटरिंग से लोगों पे अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स हो। और मैं समझता हूं कि सेक्रेटरी साहब आप देखें क्या क्या बजट्स हैं एक एक डिस्कॉम के, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड हैं किस कंपनीज को, क्या रेट्स पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स अवॉर्डेड हैं। मैं समझता हूँ जितनी ज़्यादा जानकारी आप इसमें डाल सकते हैं वो डालिए, वो जनता तक पहुँचनी चाहिए। एक हमने कल्पना की थी कि हर एक को कोई वेबसाइट और इंटरनेट एक्सेस तो है नहीं, तो मैंने आपको कहा था कि हर विलेज में बोर्ड लगना चाहिए, क्या काम वहाँ पर होगा, कितना पैसा सैंक्शन है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कब तक काम होना है, और ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ये काम हो रहा है उसकी भी जानकारी इसमें डालिए, कौन कौन राज्य ये बोर्ड लगा रहे हैं, कौन कौन राज्य के अधिकारी ये बोर्ड लगाने से डर रहे हैं, ये भी आप इसमें डालिए। ये भी जानकारी पूरी जनता को, मीडिया को, सभी देश को मिलनी चाहिए कि क्यों कुछ राज्य ऐसा बोर्ड लगाने से कतराते हैं जिससे पारदर्शिता जनता तक पहुंचे। और मेरे हिसाब से अगर कोई स्टेट इसको नहीं लगा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाए, उनके सैंक्शंस को रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये पारदर्शिता उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना काम करना है। लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे जिला में इतना पैसा सैंक्शन हो क्या है, उसमें ये कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया, काम में ये काम किया जाएगा, इतने गरीब के घरों के लिए पैसा है जिनको गरीबों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जाए, तो ये जानकारियां भी पूरी पब्लिक में डोमेन में डाल दी जाए, हो सके तो इसी ऐप में, जरूरत पड़े तो अलग ऐप में, और साथ ही साथ इसके बोर्ड पूरे देश में लगने चाहिए, उससे लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि काम ईमानदार हो रहा है कि नहीं, जिम्मेदारियां लोगों को एहसास होगी। तो ये भी काम को आप तेजी से करें, और जहां जहां बोर्ड नहीं लगे हैं मैं सभी सेक्रेटरीज को भी अपील करूंगा कि आपके यहां जहां जहां विद्युतीकरण का काम हो रहा है वहां बोर्ड पे पूरी जानकारी लगनी चाहिए, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स नेम, इंक्लूडिंग कॉस्ट,
क्या क्या काम उसके अंतर्गत होने वाला है, लेट द पीपल मॉनिटर आवर वर्क इन ग्रेट डिटेल। और ये जो 5 लाख हैबिटेशंस और 5 करोड़ घरों तक बिजली पहुंचाने का काम है, इसको पैरेलल फास्ट ट्रैक किया जाए। अगर किसी को भी पैसे की तंगी है तो तुरंत पुजारी साहब से बात करें। कोई भी राज्य सरकार को तकलीफ आ रही है, कुछ राज्य सरकारों ने चिट्ठी लिखी है, लेकिन उन राज्य सरकारों ने अपनी रिकॉर्ड देख लेनी चाहिए कि उन्होंने पूरा काम किया है कि नहीं, ठीक से काम किया है कि नहीं, क्वालिटी ठीक करी है रखी है कि नहीं, सब डेटा जो देना होता है बिल के साथ वो है कि नहीं, जो जो काम के साथ जुड़े हुए आपके इंस्ट्रक्शंस है, पर्टिकुलरली ये पारदर्शिता का इंस्ट्रक्शन, ये फुलफिल किया है कि नहीं, सो दैट पेमेंट में कोई डिले ना हो सके, और उसके बावजूद कोई डिले हो तो सीधा मेरे साथ बात करें, आई विल मेक श्योर कि किसको कोई डिले ना हो। और मेरा ये भी अपील है, जीवीएस भी इसमें मदद करें, डिस्कॉम के लोग भी, कैंप लगाएं एक एक गाँव में, कैंप के माध्यम से बिजली का कनेक्शन दें। मेरी तो कल्पना थी कि बीपीएल को तो हम पैसा दे ही रहे, एपीएल को भी कुछ किस्तों में बांध के और एक फिक्स अमाउंट कर दो, लाइन्समैन ना तय करे एक एक घर में कितना पैसा लगेगा, 3,000 हो, 4,000 हो, 5,000, जो भी एक एवरेज कॉस्ट पूरे प्रदेश का आता है उसके हिसाब से राज्य सरकार तय कर ले कि इतने रुपए लगेंगे, ये 24 किस्तों में 36 किस्तों में रिकवर कर ले कनेक्शन का कॉस्ट, उसके लिए लोन लगता हो तो लोन पीएफसी आरईसी देने के लिए तैयार है, लेकिन एपीएल घरों को भी बिजली मिले, जल्द मिले, इसकी भी जिम्मेदारी हमने ले लेनी चाहिए। तो ये दरार ना हो कि हम बीपीएल के घर में देंगे या 10 घर हैं तो 4 में दे रहे हैं, 6 में नहीं दे रहे हैं, या 6 में दे रहे हैं, 4 में नहीं दे रहे हैं, ये इस प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी को मिले। और ऑफकोर्स बिना बिजली जो जीवन व्यतीत करने की कठिनाइयां हैं, मैं समझता हूं वो हम सबको भली भांति समझ में आती है, इसलिए इस कार्यक्रम को मात्र एक नौकरी या मात्र एक सरकारी योजना के रूप में ना देखा जाए। मुझे लगता है इस कार्यक्रम को हम सभी उस उत्साह के साथ करें, उस संवेदना के साथ करें, जैसे कि कोई हमारे ऊपर कोई आपत्ति आई हो या हमारे ऊपर कोई दुर्घटना बीती हो तो जिस प्रकार से हम उसको रिएक्ट करते हैं, जिस प्रकार से उसको ओवरकम करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार से मैं समझता हूं ये 5 करोड़ परिवार जिनको बिजली नहीं मिली है, ये हम सबके परिवार हैं, राज्य के अधिकारी हों, केंद्र के हों, जीवीएस हों, कॉन्ट्रैक्टर हों, जितने स्टेक होल्डर्स इसमें जुड़े हुए हैं, हम इन 5 करोड़ परिवारों को अपना बना लें, इन सबको अपना लें, और उनकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, उनको बिजली पहुंचाने का काम ये मेरी स्वयं की जिम्मेदारी है। जब हम उसको इस मात्रा में, इस रूप में देखेंगे, तभी मैं समझता हूं ये काम भी सार्थक होगा, ये काम भी जल्द से जल्द होगा। और रात को जो चैन की नींद हम सब सोएंगे 2 वर्ष बाद, जब हर घर तक बिजली पहुंच जाएगी, उसका जो आनंद है, उस आनंद में हम सब साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये कार्यक्रम सफल हो, ये कार्यक्रम में बाधाएं ना आए, इसके लिए हम सभी प्रयत्नशील रहें, केंद्र, राज्य, डिस्कॉम्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आप सब, ऐसी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, आपके काम में गति आए, तेज प्रगति हो, सफल हो, और वो हर विद्यार्थी के आंख में वो खुशी का आंसू देखने के उम्मीद में मैं आप सबके पीछे खड़ा हूं, ये आपको आश्वासन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जब भी जीवीएस के साथ होते हैं हमेशा दिल खोल के बात करते हैं। पिछले साल भी जब अक्टूबर में ये प्रोग्राम हुआ था तो आपने जो भी आपकी जो सोच है वो हमारे सामने रखते हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं, सारे जीवीएस यही कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी सोच है उस सोच को हम मूर्त रूप दे पाएं। मंत्री जी को निकलना है, चार पांच जीवीएस कुछ कहना चाहते हैं मंत्री जी से तो खड़ा होकर माइक में फटाफट बोल दें क्योंकि 1:30 बजे ही निकलना था, थोड़ा लेट हो गए हैं। और आई ऑल्सो रिक्वेस्ट स्टेट सेक्रेटरीज इफ दे हैव एनी पॉइंट्स टू टॉक टू मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी प्लीज जॉइन अस, मिनिस्टर इज हियर फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। थैंक यू। एनी जीवीए बोल दिए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून ऑल माय जीवीएस फ्रेंड। सर हम टीम उत्तराखंड से, संदीप थपलियाल। सर हमने पिथौरागढ़ में सर मुंथियारी ब्लॉक में सर 90 किलोमीटर का ट्रैक करके सर हम मिलम विलेज में पहुंचे। सर वहां पे आज तक कोई बिजली का कार्य नहीं हुआ है। सर वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से वहां तक कोई ऑफिसर नहीं पहुंचा है। सर वहां पे लोकल विलेजर से जब बात करी सर हमने तो उन्होंने कहा कि सर बिजली हमारे लिए एक सपना है सर। तो सर आज मुझे ऐसा लगता है सर कि उनका सपना मेरा खुद का सपना है, मुझे पूरा वो करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऑनरेबल मिनिस्टर सर एंड ऑल द लीजेंड्स प्रेजेंट हियर, माय नेम इज कौशल रजक, आई एम फ्रॉम बस्तर छत्तीसगढ़। सर लास्ट वन ईयर से, एक साल से सर गर्व के साथ हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे काम कर रहे हैं और गांव-गांव तक बिजली पहुँचा रहे हैं। वहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट लाइक हम लोग को वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट में जाना पड़ता है और नक्सल इश्यूज़ स्पेशली वहाँ पे है, उसको भी हम एनी हाउ कंडीशंस के अकॉर्डिंग फेस करके फोकस करके वहाँ पे जा रहे हैं। और फ्यूचर में GARV-II के साथ भी हम फ्यूचर में भी सेम जेस्ट एंथुजियाज्म और झील के साथ आगे भी काम करेंगे, अलॉन्ग विद डिजिटल इंडिया के साथ भी हम सारे GBS इसको भी प्रमोट करेंगे और गांव में बेस लेवल पे, आई मीन कंट्री के बेस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे भी हम इसको प्रमोट करेंगे सर फ्यूचर में। थैंक यू सो मच। सर मैं अर्णव प्रामाणिक, आसाम का लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से। 15 अगस्त में एक प्रोग्राम अरेंजमेंट किया था हम लोग, तो वहाँ पर सर उल्फा ने बंद डिक्लेयर किया था, तो सर हम लोग वहाँ पे जाके विलेज में एंड मेरे विलेज में वहाँ का पास में विलेज में वहाँ पे बम ब्लास्ट भी किया था वो लोग डराने के लिए। तो सर हम लोग वहाँ पे जाके इंडिपेंडेंस डे बनाया और 7 बजे से हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्पीच लाइव टेलीकास्ट किया था और उसके बाद इंडिपेंडेंस डे बनाया विथ आसाम का मेन जो प्रॉपर्टी है बिहू भी डांस भी किया था आसाम का वो विलेज में। और सर मैं आसाम का टीम से और एक भी पावर मिनिस्ट्री REC एंड REC प्रिंसिपल का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ क्योंकि आसाम में 15 अगस्त में बंद डिक्लेयर करता है उल्फा ने, तो उस दिन हम लोग मोर देन 40 विलेजेस में पैरेलली 7 बजे से सुबह को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का स्पीच लाइव टेलीकास्ट किया था एंड इंडिपेंडेंस डे बनाया था इसके लिए। थैंक यू सर। सर मैं आफ्ताब हूँ चतरा डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे हंटर बेगम। वेट वेट, गुड आफ्टरनून सर, मैं आफ्ताब हूँ चतरा डिस्ट्रिक्ट से। सर वहाँ पे हंटरगंज ब्लॉक में एक गांव था लूटा, पहाड़ियों के बीच जंगलों के बीच, तो वहाँ पे जब भी हम लोग गए विजिट के लिए डिस्कॉम ऑफिसर से बात किए तो सबने मना कर दिया कि ये विलेज इलेक्ट्रीफाई अभी रिसेंट नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ पे रास्ता ना बने। तो वहाँ पे मैं गया सर, हाईली नक्सल बेल्ट है, नक्सलियों से मुलाकात भी हुई, उन्होंने 3 घंटा बिठा के भी रखा, काफ़ी जाँच की, चेकिंग की, जब उन्हें लगा कि नहीं ये लोग GVAs हैं और विद्युतीकरण के लिए आए हैं तो उन्होंने सपोर्ट किया। फिर कॉन्ट्रैक्टर को लेके गए, हमने उनको विलेज की लोकेशन दिखाई, उसके बाद फिर रास्ता बनाया गया, फिर विलेज जो है इलेक्ट्रिफाइड हुआ। तो जब इलेक्ट्रिफिकेशन कंफर्म करने के लिए हम लोग विलेज में गए तो एक बुजुर्ग आदमी थे सर जो कि चारपाई पे थे और एकदम 75-80 की उम्र थी, उन्होंने सर बुलाया हमें और बहुत आभार प्रकट किया हम लोगों को गवर्नमेंट के प्रति। उनके ये शब्द थे सर कि शायद लाइफ में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बिजली देख पाऊँगा, अब सुकून से मर सकूँगा। तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है सर कि मैं उनका शुक्रिया आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सर। हेलो,
Myself, Ralong Regam. I am from Arunachal. तो मैं हमारा अरुणाचल के बारे बताना चाहता हूँ. तो अरुणाचल में इतना रिमोट एरिया है कि इतना रिमोट एरिया है वो जो हम लोग सर्वे करने में इतना तकलीफ हो जाता है. तो 70-80 किलोमीटर हम लोग फुट मार्च करके सर्वे करते हैं. तो मैंने उसमें एक सप्ताह पूरा पूरी दो तीन बस्ती को सर्वे करने में पूरा पूरी वो एक सप्ताह चला जाता है. तो उसमें हम लोग को उसमें वो इनकाउंटर भी एनिमल्स का थ्रू से हो जाता है. तो जैसे कि स्नेक मिलते हैं, लियोपार्ड मिल जाता है रास्ता में. तो रास्ता में अंधेरा हो जाता है तो खाली पेट से हम लोग कभी कभी जंगल में से सो जाता है. तो हमारा अरुणाचल जीवीएस का एक चैलेंज है कि हम लोग इतना तक कर चुका है, सर्वे कर चुका है, एम जीरो को कर चुका है. अभी हम लोग को वहाँ में पूरा पूरी अभी वो बिजली पहुँचाना और हमारा जीवे का एक चैलेंज है. थैंक्स. गुड आफ्टरनून, मेरा नाम अमित मित्तल है और मैं डीवीए बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ. जब मुझे यूवी विलेजेस के अंदर एज अ डीवीए बनाया गया तो मैं समझा कि मुझे बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और मुझे पारदर्शिता के साथ में उसको निभाना है. और उसके लिए मुझे जब गाँव के अंदर गया मैं तो मैंने एक पाया कि एक गाँव है नानका रुफ्रामजी वाला बिजनौर ब्लॉक के अंदर कोतवाली के अंदर, उसके अंदर देखा कि लोगों को आज तक बिजली नहीं मिली है. ये थोड़ा मुझे लगा कि आज तक इस गाँव में बिजली नहीं आई है और मुझे इस गांव के अंदर बिजली के लिए ज़रूर प्रयास करने और उस गांव के अंदर बिजली लानी है. मैंने इस चीज़ को डिपार्टमेंट को भी बताया कि आप एक गांव है जिसके अंदर बिजली नहीं आ पाई है तो उस गांव के अंदर लाना है. और जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि गांव के अंदर एक नदी बहती है, उस नदी के कारण विद्युतीकरण नहीं हो पाया. तो हमने कहा कि इस नदी के ऊपर आप अच्छा ब्रिज बना के पोल बिछवाइए. तो डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी प्रयास किया और गाँव वालों से भी फीडबैक मिला कि अगर आप गाँव के अंदर हमारी बिजली आती है तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें लगेगा कि ये गाँव पहली बार हम बिजली देख रहे हैं और हमारी आगे की पीढ़ियां भी आपके कारण बिजली देख पाएगी. और उनकी ये बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो गाँव आज विद्युतीकरण की कगार पर है और उस गाँव के अंदर पूरा विद्युतीकरण हो चुका है. थैंक यू. हेलो सर, मेरा नाम मोहम्मद समसालम है, मैं सहरसा बिहार से हूँ. का एक गांव है केडली पट्टी जो कि कोसी के दूसरे छोर पे बसा हुआ है. तो हम लोगों को वहाँ बिजली लेके जाना था, हम लोगों ने वहाँ विजिट किया तो वहाँ पे मेन अप्रोच रोड नहीं है, नदी है कोसी, 200-300 मीटर का स्पान है. तो हम लोगों को वहाँ जब मटेरियल लेके जाना था तो कोई साधन नहीं मिला. फिर हम लोगों ने वहाँ एक नए टेक्निक से पोल दो खंभे गाड़े, उसके बाद पानी के अंदर से ट्रैक्टर से खींच के वहाँ पे मटेरियल शिफ्ट किया, फिर उसको आज वो गांव पूरी इलेक्ट्रिफाइड है. गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अमनदीप सिंह है, हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में डिप्यूटेड थे. शिमला डिस्ट्रिक्ट में सर हमारा एक विलेज था जंगरूना विलेज, सर बहुत ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में था ये विलेज. आज तक लाइट नहीं पहुंची थी वहाँ पे, जंगल का रास्ता था, पोल कंधे पे डोए गए वहाँ पे. और हमने उन लोगों को यकीन दिलाया कि हम 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे बिजली पहुँचा देंगे यहाँ पे. और हमने वहाँ पे बिजली पहुँचाई, लोगों ने हमारा शुक्रिया अदा किया और उसी बिजली के अंदर हमें उन्होंने रात्रि का भोजन हमें करवाया और हमें फील हुआ कि लाइट आने पे क्या क्या खुशी होती है. थैंक यू जीवेज, आई नो यू हैव अनलिमिटेड. थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो. यही एक्चुअली उत्साह पैदा करती है, यही सुन के हमको और ज़्यादा उत्तेजना आती है कि इस काम को और गति दी जाए. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. इनफैक्ट मैं मीडिया के बंधुओं को कहूँगा मुझे इंटरव्यू करने के बदले आज आप इन सब से चर्चा करिए, मेरे से आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, इनसे आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज मिलेंगी, कुछ कहने लायक कुछ नई चीज़ें मिलेंगी. तो प्लीज़ टॉक टू देम. और मैं सभी स्टेट सेक्रेटरीज का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस डेटा को, ये हाउस होल्ड डेटा देना कोई आसान काम नहीं था, इट वॉज अ हर्क्यूलियन टास्क. आई वुड लाइक टू रियली एक्नॉलेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री. सब ने मिल के इस गर्व टू को सफल बनाया है, सबका डेटा दिया है. 1 जनवरी से इस डेटा को रेगुलरली अपडेट किया जाएगा विद डे टू डे फीडिंग, क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है. आईटी मिनिस्ट्री से मैं श्री विनय ठाकुर जी और श्री टीपी सिंह कहाँ पर हैं? अच्छा हाँ, आई नो मिस्टर सिंह, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया जिसके कारण ये इतनी जल्दी से और इतनी तेजी से और इतना व्यापक ऐप बन पाया, बहुत बहुत धन्यवाद. यू हैव रियली बीन ब्रिलियंट एंड यू हैव मेड ऑल ऑफ अस प्राउड.
Now I request any secretary from the state government, they want to suggest something or give any input. Bihar. Audio, Bihar ka audio. Is it okay now, sir? Yes. Sir, jo household ka figures hain, BPL and APL ka, unconnected household ka. In fact, last 4 months, we had carried out a house-to-house survey, sir, like with the help of Android mobile app and with proper GIS coordinate mapping ke saath. Uske basis pe, we have shared the data for this GARV-II app, sir. And we have started working on it. Around 35 lakhs humne ko BPL karna hai and 40 lakhs APL karna hai, sir. And government of Bihar has agreed to fund the APL portion so that people ko directly bear karna nahi pade. They would be given on similar lines free of cost unko bijli ka connection milega. And this already we are in the tender phase, sir. We should be awarding the tender by this month end and January se humne ka kaam bhi shuru ho jayega. And just ek suggestion tha, sir, jo abhi GARV-II ko update karne ke liye state level pe ek GVA hai, sir. So just states mein jyada volume of work hai, if it can be kept at district level, that would help the project in terms of updation and monitoring, sir. Okay, thank you, sir. Good suggestion, and I also acknowledge saying that Bihar has done the actual survey on the ground and your figure is very, very correct. And they have already, so we will we'll consider your request and try to depute people where the load is more. And these are the 4 or 5 states where the load is more, we'll try to depute more GVAs there. Anybody else? Thank you, sir. Any other power secretaries have some suggestion to make? Digital award mila hai best mobile app ke liye GARV, जिसके लिए आज हम लोग सब यहाँ पर हैं. मैं आग्रह करता हूँ माननीय मंत्री जी से कि वो विद्युत मंत्रालय और REC को अपने हाथों से उस अवार्ड को दें. GVAs के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी. उसमें 5 विजेताओं को हम पुरस्कृत, 6 विजेता हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं माननीय मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा. पहला प्राइज है सुरजीत कमन जी को. सुरजीत कमन, दूसरे परेश चंद्र प्रधान, आशीष कुमार झा, और कॉन्सोलेशन प्राइजेस हैं रवि रंजन, आफताब आलम, विक्रम आदित्य. यहाँ उपस्थित होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर माननीय मंत्री जी का.
आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सभी के लिए लंच आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए आप लंच करके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।